तो इंडिया में जो है ना सीडान एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे गाड़ी दिन के दिन कम पे कम हो रहा है। अभी भी इसी टाइम में एक ब्रांड है जिसके पास सीडान अभी भी बहुत सारा है। हाँ, हम आज दिखाएंगे आपको जो ब्रांड का गाड़ी, वो है स्कोडा का। और स्कोडा का जो ये गाड़ी है, ये है स्लाविया। अभी हमारे पास जो है स्लाविया का दो दो टॉप सेलिंग वेरियंट है। इस साइड पर मेरा जो है स्टाइल वेरियंट है, और अगर उस तरफ आप देखेंगे तो ये एम्बिशन वेरियंट है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी दो गाड़ी को लेके। और ये दोनों गाड़ी, मैं बता दूं पहले कि ये जो है इसका इंजन जो है बिल्कुल सेम इंजन है। और आज बात करेंगे इसी दो वेरिएंट को लेके कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही हो सकता है। मैं हूं देव, आप देख रहे हैं गर्ल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये कंपेयर कि स्लाविया का दो वेरियंट के बारे में कौन सा वेरियंट आपके लिए सही हो सकता है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसी को लेके। तो ये हमारे पास जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, कहते हैं इसे स्टाइल वेरिएंट। अगर आप स्लाविया का स्टाइल खरीदने के लिए आए ना, तो आपके पास जो है दो दो ऑप्शन दिया जाएगा। एक ऑप्शन है कि भाई बिना सनरूफ का, और दूसरा ऑप्शन है विद सनरूफ का। तो हमारे पास ये जो है विद सनरूफ ऑप्शन है, मतलब एकदम टॉप ऑफ द लाइन टॉप लोडेड गाड़ी यही वाला है। अगर फ्रंट से देखो, फ्रंट एंड जो है देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो एंगुलर डिज़ाइन है ना, वो मतलब एकदम टाइमलेस है। मतलब आज गाड़ी खरीदे, अगर अगले 5 साल के बाद भी आप गाड़ी को देखेंगे ना, तो गाड़ी में स्टाइल जो है बिल्कुल मिलेगा आपको। और कहीं से भी आपको देख के नहीं लगेगा भाई ये गाड़ी का लुक जो है थोड़ा सा पुराना हो चुका है। सामने यहाँ पे देखेंगे बड़ा साइज का ग्रिल है, जिसे स्कोडा कहते हैं ना बटरफ्लाई ग्रिल। तो वो बटरफ्लाई ग्रिल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ऊपर यहाँ पे जो है स्कोडा का बेहद खूबसूरत देखने वाला लोगो भी आ जाएगा। साइड में यहाँ पे देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको स्टाइल वेरिएंट का स्टाइल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। भाई यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिलने वाला है, हाई बीम लो बीम दोनों के लिए। साथ में यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, और यहाँ पे जलने वाला है आपका बहुत खूबसूरत सा DRL भी। नीचे यहाँ पे देखेंगे आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगा, उसके नीचे आपको फॉग लैंप भी दिया गया है। अभी यहाँ ये तो बन गया फ्रंट एंड, दूसरी तरफ भी देखेंगे बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी कोई चीज़ें डिफरेंस नहीं है। पर एक चीज़ मुझे जो अच्छा लगा भाई, यहाँ पे आप पास आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेंशन किया भाई स्कोडा LED लाइट सिस्टम। तो मतलब स्कोडा भी अपना ब्रांडिंग करना चालू कर दिया, जैसे मर्सिडीज BMW पहले करते थे बिल्कुल सेम वैसा ही करना चालू भी कर दिया है, कि लाइट के अंदर ही लिख देते हैं भाई मेरा लाइट यूनिट ऐसा दिया गया है। अभी सामने है तो मैं आपको इंजन भी चेकआउट करवाऊँ। देखिए इंजन जो है इसका, बता दें कि यहाँ पे आपको एक 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आने वाला है। जो यहाँ इस इंजन जो है, ये सिर्फ एक 1 लीटर पेट्रोल इंजन नहीं है, हाँ इसमें एक टर्बो चार्जर भी मिलेगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ ये इंजन जो है 115 BHP पावर और कुछ 178 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल और एक 7 स्पीड का DSG का ऑप्शन भी आ जाएगा। और ये अगर मैं बात करूँ इंजन का, देखिए ये इंजन बे जो है, अगर आप पास आके देखें, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है इंजन बे का, कहीं भी आपको ज़्यादा जगह खाली नहीं मिलेगा। तो बस मैं वही सोचता हूँ भाई, इस इंजन ब्लॉक में कैसे वो लोग जो है एक 1.5 लीटर का इंजन भी डाल दिया है, क्योंकि वो तो और ज़्यादा बड़ा इंजन है। और एक चीज़ देखिए, स्कोडा को अपने इंजन का रिफाइनमेंट में कितना भरोसा है, कि ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने कोई भी डैम्पिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी जब आप गाड़ी चलाएंगे अंदर बैठ के आपको कोई भी आवाज़ नहीं आने वाला है इंजन के, इंजन इतना रिफाइंड है। हाँ, अब ज़्यादा खींचेंगे तो भाई ज़रूर आने वाला है, पर उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब आ जाते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जैसे मैंने लाइट यूनिट यहाँ पे दिखा दिया, फ्रंट में हमको ग्रिल भी दिखा दिया, वैसे ही अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास है एम्बिशन वेरिएंट, पहले बात कर ली इसका ये कलर, ये जो है कार्बन ग्रे कलर है, देखने में भी अच्छा लग रहा है ये। हाँ, इसका लुक जो है पूरा एकदम सोफिस्टिकेटेड लुक है, ये थोड़ा फंकी टाइप का है इसके कंपेरिजन में। पर यहाँ पे जो है आपको एक हैलोजन यूनिट ही मिलने वाला है, यहाँ पे कोई भी LED प्रोजेक्टर नहीं आने वाला है। हाई बीम लो बीम के अलग अलग हाउसिंग, साथ में इंडिकेटर का अलग हाउसिंग, और नीचे जो है आपको एक LED स्ट्रिप भी मिल जाएगा। साथ में देखेंगे यहाँ पे आपको फॉग लाइट भी आ जाएगा, यहाँ पे एक क्रोम स्ट्रिप, और जो है सिग्नेचर ग्रिल जो है स्कोडा का वो भी आ जाएगा इसमें। तो फ्रंट लुक इसका कुछ ऐसा है, देखने में दोनों के दोनों वेरियंट जो है सामने से बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी वेरिएंट अगर आप अकेला देखोगे ना, आपको नहीं लगेगा भाई ये तो हाई वाला वेरिएंट नहीं है, ये फील जो आता है ना दूसरा गाड़ी में, वो इसमें नहीं आने वाला है। पर डिफरेंस कहाँ पे है, आ जाइए इधर मैं दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे आपको एलॉय का जो डिज़ाइन है दोनों गाड़ी में, वो आपको अलग अलग देखने वाला है। यहाँ पे एक खूबसूरत सा देखने वाला डुअल टन एलॉय है, वहीं पे अगर इसमें देखेंगे तो भाई सिल्वर कलर पर ये आपको एक एलॉय मिलने वाला है। अगर मैं टायर का साइज का बात कर लूँ, तो ये टायर जो है ना, ये आपको 200
205/55-16 इंच का आने वाला है। वहीं पे अगर मैं इसका बात करूं तो ये भी जो है 205/55-16 इंच का ही आने वाला है। तो मतलब कुल मिला के जो है आपको दोनों वेरिएंट में आपको 16 इंच का ही टायर आने वाला है। टायर का प्रोफाइल भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे भी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया है। आ जाइए और एक चीज दिखा दे आपको जो अच्छा लगा मुझे भाई। देखिए ब्रांडिंग को लेके यहाँ पे भी स्कोडा का खूबसूरत सा ब्रांडिंग किया गया है और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है एक्सटीरियर जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप एक प्रीमियम सेडान ले रहे हो वहाँ पे जो है ये सारे चीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सजाया है गाड़ी, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। साथ में यहाँ पे देख लीजिए आपको LED इंडिकेटर मिल जाएगा मिरर हाउसिंग में ही, वहीं पे इसमें भी आपको सेम चीज मिल जाएगा। और एक चीज अच्छा देखिए जो बहुत सारे ब्रांड्स जो है अभी मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं देते हैं, वो है रिक्वेस्ट सेंसर। पता नहीं कितना पैसा बचता है उनका भी रिक्वेस्ट सेंसर हटा देते, पर यहाँ पे एम्बिशन वेरिएंट में भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला और टॉप वेरिएंट में तो भाई आने ही वाला है जब एम्बिशन में है। साथ ही में जो फर्क है ना अभी अब वो देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप मिलने वाला है। हाँ भाई क्रोम स्ट्रिप आने वाला है जो एम्बिशन में फिलहाल नहीं है, पर एक्सेसरीज है इसी के लिए, अब चाहे तो एक्सेसरीज में भी ये बिल्कुल लगा सकते हैं। और ज्यादा डिफरेंस जो है अगर मैं दिखाऊं आपको तो भाई आपको और पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे आपको अगर देख लीजिए दोनों व्हील्स में जो है आपको डम ब्रेक आने वाला है, भाई डिस्क ब्रेक पीछे नहीं आने वाला है। तो ये भी एक सिमिलरिटी है बोल सकते हो। साथ ही में और एक चीज बता दें, पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें भी आपको शार्फिन एंटेना मिलने वाला है, और वही शार्फिन एंटेना आपको एम्बिशन में भी आने वाला है। तो स्टाइल और एम्बिशन में जो है फर्क जो है बहुत मिनिमम है, प्राइस का भी फर्क है, पर फीचर्स जितना बाहर से देखने में लग रहा ना वो बहुत बहुत कम है। तो अभी जो है रेयर सेक्शन भी चेकआउट करवा दे आपको। देखिए ये जो है स्टाइल वेरिएंट है, तो हमारे पास जो टॉप ऑफ द लाइन स्टाइल वेरिएंट ही है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है डिफ्रॉगर मिल जा रहा है इसमें। हाँ डिफ्रॉगर मिल रहा है। अभी जो है पहले अगर आप स्कोडा लेते ना तो उनका जो डिजाइन था हैच ओपन करने का ये वाला, तो उसका फर्क था कि पूरा ग्लास के साथ वो रेज हो जाता था। तो फिलहाल अभी ये नहीं होता, सिर्फ बूट ही अकेला ओपन होता है। यहाँ पे देख लीजिए लाइट यूनिट का मैं दिखा दूं आपको। देखिए लाइट में आपको जो है LED आने वाला है, और ये LED जो है ये ब्रेक लाइट पे LED है, पर इंडिकेटर और रिवर्सिंग लाइट इसमें अभी भी हैलोजिन ही दिया गया है। स्लाविया यहाँ पे मेंशन किया है और स्कोडा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ब्रांडिंग को लेके कहीं भी कोई भी कंजूसी नहीं है उनकी तरफ से। और बताओ देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए आपको कैमरा भी मिल जाएगा, और साथ ही में नीचे जो है पार्किंग सेंसर भी दिया गया है। अब एक चीज जो है ना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हम एक दूसरे ब्रांड को लेकर हमेशा बोलते थे भाई दो पार्किंग सेंसर देते हैं। शायद स्कोडा हमारी बात जो है या फिर वीडियोस जो है आपके प्यार के वजह से देखते हैं, इसीलिए दो तो नहीं दिया पर उन्होंने 3 लगा दिया। फिर भी जो है एक कम है, पता नहीं ये क्यों है। अगर मैं इस पे दिखाऊं आपको तो देखिए इस पे ये जो है एम्बिशन वेरिएंट है, आपको LED ब्रेक लाइट जरूर मिलने वाला है। लाइट सेटअप बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर और रिवर्सिंग लाइट हो वो भी आपका हैलोजन में ही आने वाला है। स्लाविया यहाँ पे लिखा गया है, स्कोडा यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही में यहाँ पे भी आपको एक कैमरा दिया गया है, और जैसे मैंने पहले ही बताया आपको इसमें भी सिर्फ 3 पार्किंग सेंसर मिलने वाला है। ये चौथा बचा के पता नहीं भाई कितना कुछ बचने वाला है। पर एक चीज जो अच्छा मिलेगा आपको साथ ही में, यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है डिफ्रॉगर भी मिल जाएगा इसी वेरिएंट से, तो इसमें भी कोई भी शिकायत हमें नहीं है। तो अभी जो मैं आपको बूट भी चेकआउट करवा दूं। देखिए बूट के बात कर ले, अगर इसको मैं ओपन करूँ ना तो भाई बूट का स्पेस जो जितना है ना, मैं 5 लोगों को गाड़ी में बैठाने के बाद शायद 6 लोगों का लगेज आपके गाड़ी में बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। तो मतलब 5 लोगों के सिटिंग के हिसाब से लगेज जगह नहीं बनाया गया है, ये प्रॉपर 6 लोगों के लिए लगेज बनाया गया है। तो भाई इतना जगह है। और एक चीज दिखा दे आपको, देखिए इंटीरियर में जो है ना आपको कवरिंग प्रॉपरली दिया गया है, कहीं पे भी आपको कुछ भी चीज एक्सपोज नहीं देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पे भी आपको कवरिंग दिया गया है, और हमारे पास ये एम्बिशन वेरिएंट है, मतलब मिड वेरिएंट है। वहीं पे अगर इतना डिटेल्स उन लोग कवर किए हैं तो आप सोच ही लीजिए कि जब मैं टॉप एंड का बूट दिखाऊंगा आपको तो वहां पे और कितना चीज एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो इसको ओपन करते हैं, भाई बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से इसको कवर किया गया है। और एक चीज है कि यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिटेबल सीट भी आ जाएगा, तो मतलब और ज्यादा चीज लेना है आपको तो वो भी आप ले पाओगे। अब लाइट को लेकर बात कर ले, यहाँ पे देखेंगे आपको एक बूट लाइट भी मिल जाएगा। हाँ भाई यहाँ पे एक छोटा सा बूट लाइट भी मिल जाएगा। अब टायर को लेकर बात कर ले, आ जाइए दिखा देते हैं आपको कि ये जो टायर है ये भी 205/55-16 है। तो मतलब आपको जो है 16 इंच का ही जो है स्टेपनी भी मिलने वाला है, पर हाँ ये जो है आपको अलॉय नहीं है,
ये एक नॉर्मल स्टील व्हील ही मिलने वाला है। पर अच्छा चीज है कि स्टील व्हील का साइज, डायमीटर सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो बाहर से गाड़ी, अगर आप दोनों गाड़ी को देखेंगे ना, तो आपको सामने का हेडलाइट छोड़ के और कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आएगा। ज्यादा कि आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आने वाला है सिवाय वो हेडलाइट यूनिट को लेके। वही जो है एक्सटीरियर में मेन फैक्टर है, क्योंकि बाकी सब एक्सटीरियर में ऑलमोस्ट सिमिलर है। और हाँ, एक चीज है वो क्रोम स्ट्रिप छोड़ के। अभी आ जाते हैं इंटीरियर पे, दिखाते आपको वहां पे क्या है। अभी चलिए मैं आपको इंटीरियर भी चेकआउट करवा दूं। सबसे पहले जो है मैं आपको मिड वेरिएंट मतलब एम्बिशन का इंटीरियर चेकआउट करवा दूं। आ जाइए पास, दिखा दे आपको। देखिए इंटीरियर जो है ना, आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे आपको एक क्रीम कलर मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, पर ये फैब्रिक बेस्ड है। ऊपर यहाँ पे देखेंगे आपको क्रोम इस्तेमाल किया गया है, नीचे स्पीकर दिया गया है, ऊपर यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन भी दिया गया है, पावर विंडो का बटन यहाँ पे है, और ग्रैब करने का अच्छा खासा जगह दिया गया है। इंटीरियर में सीट अगर मैं दिखाऊं, पूरा सीट जो आपको फैब्रिक बेस्ड ही आने वाला है, और साथ में आपको अगर आप दो लोग बैठ रहे तो आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा साथ में कप होल्डर के साथ। पीछे अगर देखेंगे तो तीन लोगों के लिए जो है तीन आपको हेडरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये अच्छा बात है कि वो लोग समझते हैं कि भाई तीन लोग बैठेंगे, तीनों के पास तीन अलग अलग सर है। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है रियर एसी वेंट दिया गया है। नीचे देखेंगे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दोनों के दोनों मिल जाएगा आपको। इंटीरियर जो है काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ज्यादा प्रीमियम वाला फील बिल्कुल आने वाला है। ऊपर की तरफ जो है क्रीम कलर इस्तेमाल किया गया, अच्छा लग रहा है। साथ ही में जो है यहाँ पे लाइट भी दिया गया है, और वो लाइट जो है एलईडी जहां तक मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा आपको। तो कुल मिला के ये अच्छा बात है कि इंटीरियर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से वो लोग सजाया है, और एक एम्बिशन वेरियंट है इसको छोड़ के जो है चीजें जो है कटौती नहीं किया गया है। अब आ जाते हैं एम्बिशन को छोड़ के, आ जाते हैं स्टाइल वेरिएंट में। भाई ये जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। पहले आपको एक चीज दिखा दे जो मैंने दिखाना भूल गया आपको, कि यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप मिलने वाला है, जो अच्छा लग रहा है। अगर ये गाड़ी का कलर कोई दूसरा होता तो और ज्यादा अच्छा लगेगा ये देखने में। और अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे भी आपको दो कलर का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लैक है, साथ में यहाँ पे क्रीम कलर दिया गया है, पर यहाँ पे अभी आपको लेदर आने वाला है जो उसमें जो है फैब्रिक बेस्ड था। साथ में यहाँ पे हैंडल है, विंडो अप डाउन करने का बटन दिया गया है, पानी रखने का जगह वहाँ पे, स्पीकर का ग्रिल है, यहाँ पे क्रोम मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे ट्विटर भी आ जाएगा। साथ में अगर मैं आपको इंटीरियर चेकआउट करवाऊँ तो इंटीरियर में देख लीजिए पूरा आपको लेदर सीट आने वाला है। ये एक अच्छा है कि उसमें जो है एम्बिशन था तो उसमें था ये फैब्रिक बेस्ड सीट, यहाँ पे आपको लेदर बेस्ड सीट मिलने वाला है। साथ में अगर दो लोग बैठे तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी आ जाएगा विद कप होल्डर, और जो है तीन लोगों के लिए तीन अलग अलग हेडरेस्ट भी मिल जाएगा आपको। ऊपर की तरफ देखेंगे आपको लाइट भी आ जाएगा, वो भी एलईडी में दिया गया है, और जैसे एम्बिशन में आप देखे थे रियर रिसीवेंट वो भी आ जाएगा। साथ ही में जो है दो टाइप सी का पैनल भी मिल जाएगा आपको। तो कुल मिला के ये काफी अच्छा तरीके से ये जो है प्रीमियम वाला फील आपको आ जाएगा। तो अभी जो है मैं आपको फ्रंट सीट भी चेकआउट करवा दूं। देखिए पहले जो है मैं आपको स्टाइल वेरिएंट दिखा देता हूं। स्टाइल में अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सेम है जैसे सामने, जैसे पीछे था बिल्कुल सेम है। यहां पे आपको लेदर मिलने वाला है, चार विंडो का ऑपरेट करने का बटन, आपको आउटसाइड रेव्यू मिरर एडजस्ट एवं फोल्ड करने का बटन भी मिल जाएगा, आपको पानी रखने का जगह, स्पीकर का ग्रिल, और यहाँ पे आपको एक हल्का सा पियानो ब्लैक एलिमेंट भी मिल जाएगा भाई, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। साथ में और एक चीज में दिखा दो आपको, यहाँ पे सीट जो है उसमें हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाएगा आपको। हाँ भाई, हाइट एडजस्टेबल सीट दिया गया है। और तो एक चीज बता दूं आपको कि देखिए स्टीयरिंग जो है ना काफी अच्छा देखने में है, ये एकदम नया डिजाइन है स्कोडा का स्टीयरिंग व्हील का। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। साथ ही में मैं बताऊं कि इस स्टीयरिंग व्हील जो है ये पूरा ही लेदर अप स्टीयरिंग व्हील है। इस तरफ का जो भी बटन आपको मिलने वाला है इससे जो है आप क्रूज कंट्रोल सेट कर पाएंगे और बाकी सारा मेनू रिलेटेड चीजें भी कर पाएंगे। और इस तरफ जो आपको ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल दिया गया है। अब जैसे ये स्कोडा है ना तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे आपको वॉश एंड वाइपर का कंट्रोल मिल जाएगा, और इस तरफ जो है आपको लाइट रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएगा। स्टीयरिंग पे ही है तो मैं बता दूं ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों के दोनों ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको। और हाँ, जैसे ये स्कोडा है तो लाइट का जो सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा यूनिक है, हर ब्रांड में हम नहीं देखते। साथ में यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट का भी बटन मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉकेट भी मिल जाएगा। वो सिंपली क्लेवर वाला ऐड आता था ना पहले, बिल्कुल वैसा ही है प्लेसमेंट। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो एसी वेंट का लुक्स भी काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट और साथ में यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मेटालिक टच भी मिल जाएगा आपको। और देखिए स्टीयरिंग व्हील को छोड़ के और एक चीज है इंपॉर्टेंट है जो बन जाता है हमारा म्यूजिक सिस्टम। भाई म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, टच पैनल भी काफी अच्छे तरीके से, टच रिस्पॉन्स है यहाँ पे। अगर मैं कोई भी चीज चलाऊ तो भाई काफी अच्छे तरीके से वो चलने वाला है, और इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे सेटिंग, सारा फीचर सब कुछ आपको जो है यहाँ पे मिल ही जाएगा। और बात करें इसके नीचे जो आपको एसी वेंट दिया गया है, और उसके नीचे जो है एसी यूनिट है, इसमें जो है ऑटो एसी आने वाला है, और इस पे जो है टच बेस पैनल दिया गया है।
अब इस पे जो है आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा पैड में, और पैड जो है काफी डीप है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 फीट का गियरबॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा, और सामने का 2 सीट जो उसमें वेंटिलेशन है तो उसका बटन भी मिल जाएगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप और गाड़ी को लॉक करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे देखेंगे आपको जो है 2 कप होल्डर मिल जाएगा, और आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। आर्मरेस्ट दिया गया है, और आर्मरेस्ट जो है स्लाइड आउट होता है, और इसके नीचे भी आप कुछ चीज चाहे तो रख सकते हैं। और ग्लव बॉक्स का बात करें, ग्लव बॉक्स के लिए पहले दिखा दे आपको, ये पैनल जो है काफी अच्छा लगता है मुझे, और यहाँ पे जो टेक्सचर इस्तेमाल किया है ना काफी सुंदर लग रहा है। इसको ओपन करें तो काफी वाइड ओपन होता है। साथ ही में मैं बताऊँ यहाँ पे ये कूल्ड है, इसीलिए यहाँ पे रेगुलेटर भी मिल जाएगा इसी कूलिंग सिस्टम का। साथ में ये जो मिरर है, कहते हैं इसे जो है फ्रेमलेस मिरर, हाँ भाई फ्रेमलेस ही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर मैं बात करूँ तो पैसेंजर के लिए आपको मिरर मिल जाएगा वैनिटी में, ड्राइवर के लिए आपको भाई कुछ नहीं मिलेगा, पर ऊपर आपको एक बहुत बड़ा साइज का जो है सनरूफ भी आ जाएगा, तो इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में जैसे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाएगा। बहुत सारा फीचर्स इसमें दिया गया है, तो ये डिजिटल डिस्प्ले भी आ जाएगा। और जैसे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो आपको जो है यहाँ पे 6 एयरबैग का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो अभी चलिए देखते हैं एम्बिशन वेरिएंट में क्या मिलेगा हमें। तो अभी जो मैं इंटीरियर पर बैठा हूँ एम्बिशन वेरिएंट का, और जैसे मैंने बताया था आपको पूरा फैब्रिक बेस्ड सीट आने वाला है, तो वो बिल्कुल दिया गया है। अब डिफरेंस कहाँ पे है पता है, स्टाइल से आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट भाई नहीं मिलने वाला है, तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग है। बाकी जो चीज है बिल्कुल सेम है, पर हाँ फर्क कहाँ पे है पता है, अगर मैं दिखाऊं आपको तो आ जाइए। तो यहाँ पे आपको ये सिस्टम जो है पूरा मैनुअल आने वाला है, वहां पे पूरा डिजिटल आने वाला है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है वो नहीं है। साथ में यहाँ पे आपको जो है मैनुअल डेनेट करना पड़ेगा, वहां पे वो ऑटोमेटिक हो रहा था। और ऊपर देखेंगे तो सनरूफ नहीं आता इस वेरिएंट पे, तो भाई सनरूफ भी नहीं है, पर यहां पे जो है आपको एक मिरर जरूर मिल जाएगा, और ड्राइवर साइड पे भी कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल होता है बिल्कुल वैसा ही है। और बाकी चीजें मैं दिखाऊं आपको तो बिल्कुल भाई सेम है। यहां पे आपको लाइट का स्विच मिल जाएगा एडजस्ट करने के लिए, और यहां पे हेडलाइट एडजस्टमेंट का भी स्विच आ जाएगा। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है भाई, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, आपको लेदर रैप ही आने वाला है। इस तरफ आपको सारे ट्रैकों, इस तरफ आपको जो है सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे, इस तरफ जो आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएगा, लाइट कंट्रोल्स यहां पे दिया गया है, और वॉशर वाइपर का उस तरफ दिया गया है, तो बिल्कुल भाई सेम है। और हाँ एसी को लेकर बात कर ली, यहाँ पे भी आपको ऑटो एसी आने वाले, वो भी टच पैनल के साथ। तो कुल मिलाकर ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, छोटा छोटा चेंजेस है, पर अच्छा लग रहा है देखने में। एक चीज बता दें कि देखिए एम्बिशन वेरिएंट है, फिर भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो भाई ये एक अच्छा चीज है कि वहां पे कोई भी कटौती नहीं है। और एक बात करें कि इस वेरिएंट में आपको 2 ही एयरबैग आने वाला है भाई, सीट में एयरबैग नहीं मिलने वाला है। अब चलिए बाहर आते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये था हमारे पास स्लाविया का 2 वेरिएंट का एक कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्लाविया खरीदने के लिए सोच रहे और कौन सा वेरिएंट ले इस पर कंफ्यूज है, एम्बिशन या फिर स्टाइल। स्टाइल नाम ही काफी अच्छा है, मतलब सुनने में ही लग रहा है भाई स्टाइलिश वेरियंट है, बिल्कुल है भाई स्टाइलिश वेरियंट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, जैसे पहले ही बताया था, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट हम लाते रहते हैं आपके लिए। अगर बाइक चला रहा है तो हेलमेट जरूर पहनिए, गाड़ी चला रहा है तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। थैंक यू।